जुलाई में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। गडकरी के विरोध में मैक लड़ा तो प्रकाश अंबेडकर उम्मीदवार नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव की तारीख तय होकर जाहिर हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने रविवार 10 मार्च को लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों की घोषणा की थी। इसलिए अब कौन सा उम्मीदवार कौन से लोकसभा मतदार संघ से लड़ेगा, किसके विरोध में किसका सामना रंग लाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में आने वाले पीएम कौन होंगे, इस पर भी सबकी नजरें टिकी है। उसमें पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष शरद पवार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इनको पीएम पद के उम्मीदवार बोला जा रहा है। नितिन गडकरी नागपुर लोकसभा मतदार संघ से लड़ेंगे। उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस नेता नाना पटोले इन्होंने कमर कस ली है। मैंने गडकरी के विरोध में नागपुर में चुनाव लड़े तो फिर प्रकाश अंबेडकर उम्मीदवार नहीं देंगे, ऐसा नाना पटोले इनका कहना है। इस बारे में मेरी और प्रकाश अंबेडकर की बात हो चुकी है। प्रकाश अंबेडकर नागपुर में वोटों का विभाजन नहीं होने देंगे, ऐसा नाना पटोले इन्होंने कहा। दो दिन में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी, लेकिन नागपुर के स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नाना पटोले की उम्मीदवारी को लेकर नकार है। इसलिए कांग्रेस नाना पटोले को नागपुर से टिकट देगी, ये देखना जरूरी हो गया है। लेकिन नाना ने नितिन गडकरी के विरोध में चुनाव लड़ने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।